ये देखिए गाइस, हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है। वाओ, क्या टेस्ट आने वाला है गाइस। यकीन मानिए गाइस, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी ट्राई कीजिए गाइस ये रेसिपी मेरी। जैसे इस किचन में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अभिषेक जैसी। आज हम जो बनाने जा रहे हैं, मेरी फेवरेट, सबकी फेवरेट, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। हर एक रेस्टोरेंट, हर एक होटल में सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश जो है दाल मखनी, सबकी फेवरेट, सबकी पसंदीदा, सेम मेरी भी। चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ दाल मखनी के लिए, कौन सी दाल यूज कर रहा हूँ जो हम बनाने जा रहे हैं गाइस दाल मखनी के लिए। जो दाल है ये है काली दाल, सबके घर में मिलेगी ब्लैक ग्राम दाल। और गाइस, अगर आप एक कटोरी दाल ले रहे हो तो उसमें आप ये डालोगे थोड़ी सी राजमा, ये है राजमा दाल। और गाइस, ये है चना दाल, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लाइक है तो आप डालिए, मुझे लाइक है इसलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ। और गाइस, इतने ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आप बड़ी कटोरी यूज़ कर रहे हो, लाइक अब एक कटोरी, तो आप इतना ही डालोगे, थोड़ी सी राजमा, थोड़ी सी चना दाल। और गाइस, ये मसाले जब मैं बॉइल करूँगा उसके लिए मैंने रखे हैं 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, ये आपकी लौंग और एक बड़ी इलायची। ठीक है गाइस, ये इसमें डालेंगे हम दाल मखनी में। और ये गाइस, रात भर मैंने रखी थी दाल, ये देखिए गाइस, पानी में भिगो के रखी थी। अब मैं इसको सीटी से लगाऊंगा गाइस, ज़्यादा नहीं, 4-5 विसल में आराम से दाल हो जाएगी। तो गाइस, मैं विसल लगाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसी करनी है दाल। ये देखिए गाइस, मेरी दाल यहाँ पे बॉयल हो चुकी है। इस प्रकार से बॉयल कर लीजिएगा दाल, कम से कम 5 से 6 सीटी लगा दीजिएगा। और देख चेक कर लीजिएगा गाइस, कई बार क्या होता है दाल कच्ची रह जाती है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस, कम होगा तो फिर दोबारा बॉयल कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स, ये है आपका देगी मिर्च, ये मैंने 2 टीस्पून ले रखे हैं आपका देगी मिर्च, ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये है आपका हल्दी टर्मेरिक पाउडर, ये मैंने 1 स्पून ले रखा है टी स्पून, और ये है आपका कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर, ये मैंने आपका ले रखा है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर बड़ा टी स्पून, और ये है आपका जीरा पाउडर क्यूमिन सीड पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून ले रखा बड़ा वो भी, और ये है आपका गरम मसाला, ये 1 टीस्पून लेना है गाइस, ज़्यादा मत डालना गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो है, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, आपको पता ही है एज़ पर टेस्ट डालना चाहिए। और ये है गाइस 1 चुटकी भर हींग, हींग यूज़ की है मैंने दाल मखनी के लिए। तो गाइस, ये मैंने प्याज चॉप कर रखे हैं। कुछ लोग दाल मखनी में प्याज डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, बट मुझे प्याज डालना लाइक है, क्योंकि जो ऑनियन होती है ये कैरमलाइज हो जाते हैं और एक अच्छा फ्लेवर देते हैं दाल मखनी में। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ये कर लीजिएगा गाइस इसमें डालने के लिए। और ये है टमाटो, 3 टमाटर लेना, उसकी प्यूरी बना देना, 1 प्याज है गाइस और 3 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली इस प्रकार से ये। और नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट जो है ये है फ्रेश क्रीम। जैसे मैंने बताया, आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई और दूध को मिक्स करिए और क्रीम बना सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है गाइस, आराम से घर में आप इस चीज़ को भी बना सकते हो, वेरी इजी। और ये है बटर गाइस, हम जो दाल मखनी में डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे गाइस, देख लीजिएगा मैं कितना डालूंगा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दाल मखनी के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप, मैं जैसे मिक्स कर रहा हूँ इसमें बटर और रिफाइंड मिक्स कर रहा हूँ, कुछ लोग बटर कम यूज़ करना पसंद करते हैं, तो मैं भी वैसे ही हूँ, तो मैं रिफाइंड हल्का डाल दूंगा इसमें, और साथ में ये बटर डाल दूंगा थोड़ा सा। अब ये मेल्ट हो जाएगा, फिर हम जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें गाइस। ये हमारा बटर रिफाइंड अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं जो है 2 टीस्पून और स्पून आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगा, इसको अच्छे से पकाइएगा गाइस। जैसे ये ब्राउन हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे हम, अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन होते ही इसमें प्याज ऐड कर देने गाइस हमने। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, ये आपके अदरक और लहसुन का पेस्ट, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ। ये प्याज ऐड हो गया, सेम प्याज को आप ब्राउन करिएगा, अच्छे से कैरमलाइज कर लीजिएगा। जैसे ही ब्राउन होंगे फिर हम अपनी टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे इसमें।
ये देखिए गाइस, जब हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है टमाटो प्यूरी को ऐड करने का। पर मैं इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूंगा गाइस। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, एक क्रंची क्रंची सा दाल में रेड हमारी कश्मीरी चिली पाउडर का। और बाद में बाकी हम प्यूरी में ऐड कर देंगे। अब हमारी प्यूरी इसमें हम ऐड करेंगे, ये जो मैंने बनाई थी आप भी ऐसा ऐड कर दीजिएगा। चिली डाल दीजिए, अब मैंने टमाटर प्यूरी ऐड कर दी है। अब अच्छे से पकाइएगा गाइस, जब तक इसमें हमारा ऑयल ना छोड़ दे, ये हमारी ग्रेवी बन रही है दाल मखनी के ऊपर। और उसके बाद हम सारे मसाले ऐड करते हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद ये अपना ऑयल छोड़ देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे गाइस, वही अपना प्रोसेस, ताकि हमारे टमाटर और प्याज जल्दी से पक जाए। ये देखिए गाइस, अब हल्का कलर आने लग गया है टमाटर का और ऑयल भी आ रहा है, तो हम अपने मसाले डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले रेड चिली पाउडर डाल दीजिए थोड़ा, और टर्मेरिक पाउडर, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको लगे मसाला थोड़ा लग रहा है नीचे, तो हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि जो नीचे मसाला लग रहा है वो हमारा सारा मसाला छूट जाए। ये अब हम धीरे धीरे सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, जो हमने रखे थे, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट और हींग, सब एक साथ ऐड कर दिएगा गाइस, और अच्छे से पकाएंगे टिंडल ऑयल आने तक। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला तैयार है। हल्का सा पानी ऐड करेंगे और, ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। ये देखिए गाइस, अब ऑयल छोड़ दिया है हमारे टमाटर प्याज ने। अब इसमें टाइम आ चुका है दाल को ऐड करने का। एक ही गर्म है, अब मैं दाल ऐड कर रहा हूँ। सारी दाल धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब अच्छे से दाल पकाएंगे गाइस, टाइम दीजिएगा यहाँ पे दाल को। देखिए गाइस, हमारी दाल मखनी पक रही है। इसे कम से कम गाइस 15 से 20 मिनट ऐसे ही पकाना है स्लो हीट पे, जो एक गाढ़ापन आता है दाल मखनी का, वो ऐसे ही आएगा गाइस। टाइम दीजिएगा दाल मखनी को पकाने में, लेकिन मानिएगा जितना आप टाइम देंगे उतनी ही अच्छी बनेगी हमारी दाल मखनी। ऐसे ही पकाते रहिएगा गाइस, और हल्का हल्का बीच में चलाते रहिएगा, ताकि दाल हमारी नीचे ना लग जाए। ये देखिए गाइस, दाल पक रही है हमारी, और इसी में मैं थोड़ा सा शुगर डाल दूंगा, आधा टीस्पून। इससे क्या होगा, टेस्ट और निखार के और बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा गाइस, यकीन मानिएगा। ये देखिए गाइस, हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो गया हमारी दाल मखनी में। अब इसी दौरान मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दूंगा, ताकि इससे हमारी दाल में और गाढ़ापन आ जाए। ये देखिए, थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया मैंने, और इसको अच्छे से चलाना है गाइस हमें तकरीबन 20 मिनट तक स्लो हीट पे ऐसे ही। अब क्रीम गाइस लास्ट में ऐड करेंगे हम, अभी नहीं ऐड करना है, क्योंकि अभी भी ऐड करेंगे हम फुल हीट पे तो क्रीम हमारी फट जाएगी दाल मखनी में। हमेशा जब भी क्रीम ऐड करोगे आप, ऐट द एंड करिएगा जब आपकी दाल पक जाए, उससे क्या होगा आपकी क्रीम फटेगी नहीं और बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। ये देखिए गाइस, हमारी दाल मखनी जब गाढ़ी हो चुकी है और ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। मैं ये साइड क्या कर रहा हूँ, मैं ये साइड ना तड़का तैयार कर रहा हूँ। एक हल्का सा छौंका मारेंगे हम इसके ऊपर लहसुन का, थोड़े से लहसुन मैंने ये देखिए चॉप कर लीजिए, गार्लिक आप भी चॉप कर लीजिएगा, और ऐसे इसमें डालेंगे और इसके ऊपर हम छौंका देंगे गाइस। यकीन मानिएगा बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा इससे। इसको अच्छे से पका के हम अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे, ब्राउन कर लीजिएगा अच्छे से इसे। ये देखिए गाइस, ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब छौंका हम ऊपर से दाल मखनी के ऊपर डाल देंगे, बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा यकीन मानेगा। ये देखिए,
वाह साउंड सुना कितना प्यारा साउंड है गाइस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा सर। ये देखिए वाह, ये देखिए गाइस, अब हमारी दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बट एट द लास्ट एक इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताया नहीं था मैंने आपको, वो ये है जायफल। इसका मैंने पाउडर बना लिया है, यानी मैंने ग्रेट किया है ग्रेटर पर। आप भी उसको ग्रेट कर लीजिएगा अच्छे से और दाल मखनी में हल्का सा डाल दीजिएगा ऐसे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे भी जायफल। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालिए, अगर किसी को लाइक नहीं होता जायफल का टेस्ट वो नहीं डालते। हमारी दाल देखिए अच्छे से मिल चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगा गाइस। हमेशा क्रीम लास्ट में मैंने बोला था आपको ऐड करना, जब ये दाल हल्की सी ठंडी हो जाए तब क्रीम ऐड कर लीजिएगा। अब ये हल्की हो चुकी है, अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगा। वाओ, अब दिखे गाइस कलर हमारी दाल मखनी का, दिखा ना वो क्रीमिनेस। अब अच्छे से ऐसे ही हिलाते रहिएगा, इसे मिक्स कर दीजिएगा और हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है। कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये देखिए गाइस हमारी दाल मखनी रेडी हो चुकी है। वाओ, क्या टेस्ट आने वाला है गाइस, यकीन मानिए गाइस बहुत ही प्यारी लग रही है। आप भी ट्राई कीजिए गाइस ये रेसिपी मेरी। रेडी हो चुकी है, क्या बेहतरीन बनी है गाइस, यकीन मानिएगा। अब मेरा फेवरेट पार्ट आपको पता है टेस्टिंग का, जरा इसको टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। अमेजिंग गाइस, लिटरली बहुत ही प्यारी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा गाइस, बनाइएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कैसे बनी। जीरा राइस और नान के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है उसके साथ। समय आ चुका गाइस आपसे अलविदा लेने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। और जाने से पहले ही बोलूँगा गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी आप मेरी वीडियो मिस ना कर सके। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।